Now heat baking soda in a boiling test tube. Bring the blue and red litmus paper near the gas liberated and note the changes in the color of litmus. Draw table in your copy and note the nature, acidic, basic, according to the color change in the litmus paper. Soda water bottle में से जो गैस लिबरेट हुई है उसका नेचर एसिडिक है कि बेसिक है आपको लिखना है, ठीक। अब आप एसिडिक और बेसिक नेचर को कैसे पहचानोगे? If the blue litmus turns red, then it is acidic. Blue litmus turns red. Blue litmus paper red हो जाता है तो वो acidic nature show करता है, और red litmus blue होता है तो वो basic nature show करता है। अब soda water bottle में क्या हुआ? जो gas liberate हुई वो कौन सी थी? Carbon dioxide gas, और वो कैसी है? Basic in nature. तो आप वहां पे लिखोगे बेसिक इन नेचर, सोडा वाटर बेसिक इन नेचर। बेकिंग सोडा, इन बेकिंग सोडा में क्या हुआ? लिबरेटेड गैस अगेन सेम CO2, लिबरेटेड गैस कैसी है? और बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा बेसिक इन नेचर। You will find that when we add sulfuric acid to water, it produces heat due to which the beaker gets hot. This is a physical change. When quicklime was added to water, heat produced due to chemical change. In both the cases, heat was produced, and on this basis, we can define the type of change occurred. अब पहले इसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डाला था, जिसकी वजह से बीकर हमें गर्म लगा, right? और दूसरे इसमें हमने सोडा चूने में पानी डाला था क्विक लाइम में। तो क्विक लाइम में पानी डाल के जो केमिकल रिएक्शन हुई उसकी वजह से क्या हो गया? बीकर हॉट हो गया, तो वो चेंज हो गया केमिकल चेंज। और सल्फ्यूरिक एसिड जो हमने पानी में डाला था उसकी वजह से जो बीकर गर्म लगा वो था फिजिकल चेंज। दोनों भी केस में देखा जाए तो हीट प्रोड्यूस हुई है, हीट लिबरेट हुई है, बट जो चेंज ऑकर्ड हुआ एक था फिजिकल और दूसरा था केमिकल चेंज। देयरफॉर इट इज नॉट नेसेसरी दैट द चेंजेस व्हिच सीम टू बी ऑफ द सेम टाइप टू आइडेंटिफाई केमिकल चेंज वी हैव टू ऑब्जर्व इफ एनी न्यू कंपाउंड इज फॉर्म और नॉट आफ्टर द प्रोसेस। फिर हम कैसे पहचानेंगे कि यह फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? केमिकल चेंज यदि होता है तो हमें वहां पे एक नया कंपाउंड मिलता है, जैसे कि हमने क्विक लाइम में पानी डाला तो हमें एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हुई ये पता चला और एक नया कंपाउंड मिला। जबकि सल्फ्यूरिक एसिड को हमने पानी में डाला तो हमें कोई नया कंपाउंड नहीं मिला, इसका मतलब वो चेंज कैसे था? फिजिकल चेंज। और जिसमें हमें नया कंपाउंड मिलता है आफ्टर द प्रोसेस तो हम उस चेंज को बोलेंगे केमिकल चेंज। गैस कमिंग आउट फ्रॉम सोडा वाटर एंड द बेकिंग सोडा बोथ आर एसिडिक नेचर, वेयर एज बेकिंग सोडा विच हैज अल्कलाइन इन नेचर एंड विच व्हेन हीटेड लिबरेट अ गैस ऑफ एसिडिक नेचर। आपको उसमें लिखना है कि जो गैस है वो कौन सी नेचर की है। गैस कमिंग आउट फ्रॉम सोडा वाटर एंड बेकिंग सोडा बोथ आर एसिडिक नेचर, इसको आपको लिखना है। और बेकिंग सोडा कैसे है? अल्कलाइन इन नेचर। और आपका सोडा भी कैसा है? एसिडिक इन नेचर।
basic in nature. The carbon dioxide gas dissolved liberated, here no chemical reaction takes place. When we heat the baking soda, the following reaction takes place. जब हमने कोई भी सोडा वाटर या सॉफ्ट ड्रिंक का बॉटल का ढक्कन खोला तो उसमें से जो झाग आई दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बट वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ इसलिए वो चेंज कैसा था, फिजिकल चेंज था. बट जब हमने बेकिंग सोडा को हीट किया तो हीट करने के बाद भी उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हुई, बट हमें एक नया प्रोडक्ट मिला, वो था आपका सोडियम कार्बोनेट. इसलिए हम इस रिएक्शन को या इस चेंज को क्या बोल सकते हैं, इट इज केमिकल चेंज. NHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इट इज बेकिंग सोडा, और उसको हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. इन दिस रिएक्शन ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा वी गेट सोडियम कार्बोनेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इनिशियली टेकन सब्सटेंसेस. वाटर ड्रॉप फॉर्म इन द एक्सपेरिमेंट. सच प्रोसेस वेयर न्यू कंपाउंड इज फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या होता है, नया ऐसे रिएक्शन जिसमें न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन. दिस कंपाउंड्स विच टेक पार्ट इन रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट. तो ये क्या हो गया आपका, रिएक्टेंट. And a chemical reaction reactant are changed into product. In any chemical reaction, reactant are changed into product. The sodium carbonate, water or carbon dioxide आपके हैं product. Clear? Properties of a chemical reaction. Now what are the properties? I think chemical reaction, that point is clear to you. A process where a new compound is formed is called chemical reaction. ऐसे reaction जिसमें हमें कोई नया compound मिल रहा है उसको हम बोलते हैं chemical reaction. Now one activity is given. What you need? Test tube, calcium carbonate, dilute hydrochloric acid. Take some calcium carbonate in a test tube and add dilute hydrochloric acid in it. What changes takes place on adding acid? Which gas is liberated during this reaction? Here we find that calcium carbonate is an insoluble solid which react with hydrochloric acid to give out carbon dioxide gas and calcium chloride. Calcium chloride is formed which is soluble in water. कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैसा है, इनसॉल्युबल सॉलिड, ये किसी में घुलता नहीं है. विच रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट ये जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब हमें नया प्रोडक्ट मिलता है, वो है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर H2O. मतलब CaCO3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें नया प्रोडक्ट मिल रहा है, कैल्शियम क्लोराइड. लिबरेशन ऑफ गैस एंड चेंजेस इन द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्शन. कौन सी प्रॉपर्टीज है, लिबरेशन ऑफ गैस एंड चेंजेस इन द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट. ये कैल्शियम कार्बोनेट कैसा है, सॉलिड स्टेट में है, और HCl कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब जब हमें प्रोडक्ट मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वो गैसियस फॉर्म में है, और वाटर कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है. देयर वॉज अ रिएक्शन व्हेन टू कंपाउंड कंबाइन विद ईच अदर. मतलब कोई भी दो कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, एक रिएक्शन होता है. एग्जाम्पल है रस्टिंग, फूड स्पॉइलिंग. मतलब फूड जब पानी के कांटेक्ट में या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो वो खराब हो जाता है. पानी हवा के साथ लोहा जब कांटेक्ट में आता है तो वो क्या हो जाता है, उसके ऊपर जंग लग जाता है, रस्टिंग होता है. तो इस रिएक्शन से, इस
एक्टिविटी से हमें क्या सीखना है, लिबरेशन ऑफ गैस एंड चेंजेस इन द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, ये प्रॉपर्टीज है रिएक्शन की। एक्टिविटी थ्री हमें क्या सिखाती है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तब उसमें से गैस लिबरेट होती है, गैस बाहर आती है और वो जो रिएक्टेंट है वो उसकी स्टेट, स्टेट तीन टाइप की होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, किसी भी रिएक्शन की। क्लियर। नाउ एक्टिविटी फोर, मटेरियल रिक्वायर्ड शुगर, हीटिंग एपरेटर, टेस्ट ट्यूब होल्डर, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। टेक अ बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब, टेक सम शुगर इन इट एंड हीट इट। आपको बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब लेना है और उसमें थोड़ा सा शुगर लेना है यानी शक्कर लेना है और उसको हीट करना है। ऑन हीटिंग एट फर्स्ट शुगर मेल्ट, देन ऑन फर्दर हीटिंग इट टर्न्स ब्लैक एंड वी कैन सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जब हम शुगर को गर्म करते हैं तो स्टार्टिंग में वो शुगर मेल्ट होती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, फिर और उसको हीट करते हैं तो वो काल ब्लैक कलर में चेंज हो जाती है, और जब वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाती है तो उस टेस्ट ट्यूब के ऊपरी हिस्सों में आप क्या देखते हो, वाटर ड्रॉपलेट, पानी की कुछ बूंद, और इसी को बोला जाता है चैरिंग ऑफ शुगर। उसको क्या बोलते हैं हम, चैरिंग ऑफ शुगर। फर्स्ट शुगर मेल्ट, देन इट टर्न्स ब्लैक, दैट इज कॉल्ड चैरिंग ऑफ शुगर। इज द कंपाउंड टेकन फॉर द एक्सपेरिमेंट सेम एज दैट विच इज प्रोड्यूस आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। शुगर का, शक्कर का कलर पहले सफेद था और जैसे ही उसको हीट किया तो उसका कलर क्या हो गया, ब्लैक। हियर वी फाइंड दैट प्रोडक्शन ऑफ द न्यू कंपाउंड इज ड्यू टू हीटिंग। और ये कलर चेंज हो गया, इसका मतलब यहाँ पे नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, और ये क्यों हो गया, क्योंकि हमने शुगर को हीट किया। केमिकल रिएक्शन हैपन व्हेन समथिंग इज बर्न। तो इस एक्टिविटी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है जब हम उसको हीट करते हैं, और सच रिएक्शन एब्सॉर्ब हीट कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। शुगर ने हीट को एब्सॉर्ब किया जिसकी वजह से वो मेल्ट हो गई और फाइनली उसका कलर ब्लैक हो गया। ये सब हमें बताता है कि केमिकल रिएक्शन या रिएक्शंस में हम जब उसको हीट करते हैं तो वो हीट को एब्सॉर्ब करती है, और हीट एब्सॉर्ब करने वाले रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक का मतलब होता है हीट, थर्म, एंड एंडो मींस व्हिच एब्सॉर्ब हीट, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस एक्टिविटी से, एक्टिविटी फोर से हमें यही सीखना है कि सम रिएक्शंस टेक्स प्लेस व्हेन वी बर्न इट एंड दे एब्सॉर्ब हीट। हीट एब्सॉर्बिंग रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर। In activity 1, you have seen that on adding water to quick lime, heat was produced. Therefore, in some reaction, heat is evolved. कोई reaction में क्या होता है? Heat evolved होती है, heat liberate होती है, heat बाहर आती है. और ऐसे reactions को हम बोलते हैं exothermic reaction. जिसका example हमने लिया था, चूने में पानी डाला तो sizzling sound produce हुआ और वो बीकर गर्म हो गया। गर्म क्यों हुआ? क्योंकि उस reaction में heat बाहर आ गई, और heat जब बाहर आती है, heat is given out, heat is liberated, heat is evolved, then reaction we call exothermic reaction. Exo का मतलब होता है बाहर, therm का मतलब होता है heat. Heat जिस reaction में बाहर आती है उस reaction को हम बोलते हैं exothermic reaction. Means activity 4 से हमें endothermic और exothermic reaction क्या होती है ये समझ में आ गया। Clear? Now what is activity 5? टेस्ट ट्यूब, मिल्क, लेमन जूस, हीटिंग एपरेटर। फिल हाफ द टेस्ट ट्यूब विद मिल्क, हीट दिस एंड ऐड सम ड्रॉप ऑफ लेमन जूस। ऑब्जर्व द चेंजेस हैपनिंग ड्यू टू केमिकल चेंजेस। हियर यू गेट व्हाइट रेसिड्यू, फॉर्मेशन ऑफ रेसिड्यू इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपको टेस्ट ट्यूब में आधा टेस्ट ट्यूब मिल्क लेना है, उसको हीट करना है, हीट करने के बाद उसमें आप एक दो बूंद लेमन जूस डालोगे। अब दूध में मिल्क, दूध में नींबू का रस डालने से क्या हो जाता है, दूध फट जाएगा, और ये चेंज कौन सा है, केमिकल चेंज है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक वाइट रेसिड्यू, पानी और वो दूध का जो फैट है वो अलग हो जाता है, दैट इज वाइट रेसिड्यू इज ऑब्टेन, एंड फॉर्मेशन ऑफ रेसिड्यू इज अ प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल
रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो कोई उसमें सब्सटेंस बच जाता है या रेसिड्यू हमें मिलता है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ रेसिड्यू इज अ प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ एक्टिविटी 5 से क्या मिला हमें, एक प्रॉपर्टी मिली केमिकल रिएक्शन की, फॉर्मेशन ऑफ रेसिड्यू। क्लियर। नाउ एक्टिविटी 6, मटेरियल रिक्वायर्ड, टेस्ट ट्यूब कॉपर टर्निंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर टर्निंग इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन इट। 1 ग्राम कॉपर के आपको यानी तांबे के छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं टेस्ट ट्यूब में और उसमें 2 या 3 ड्रॉप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालना है। यू विल फाइंड दैट अ ब्राउन कलर्ड गैस इज लिबरेटेड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। चेंजेस इन द कलर ऑफ द रिएक्टेंट एंड आर ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ब्राउन कलर की गैस बाहर आती है और उस चेंज इन द कलर ऑफ द रिएक्टेंट ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन। We have seen that chemical reaction can be recognized. इस तरह से हमें पता चला कि कोई भी chemical reaction जब होती है तो हम कैसे पता करेंगे, it is recognized by liberation of gas, color change, residue formation, heat changes and changes in the state of matter. Means एक से ज़्यादा properties हमें देखने को मिलती है। एक्टिविटी 6 से हमें ये पता चला कि कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट का कलर क्या हो जाता है, चेंज होता है। कॉपर टर्निंग, तांबे का कलर सबको पता है, नाइट्रिक एसिड डालने के बाद ब्राउन कलर की गैस आती है और कॉपर टर्निंग का कलर फेड हो जाता है, वो चेंज हो जाता है जो कि आपका रिएक्टेंट था। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन and burning of candle is a chemical reaction, give the properties connected with this. See, what do you understand by chemical reaction? This point number 2, this is your point number 2. A chemical reaction can be recognized states of matter. Some reaction show more than one property. This is your point number 2 of question number 1. Clear? Now you write down first point, that is the definition of chemical reaction. And we have already underlined this word. What is chemical reaction? This point you also add in the answer number 1. A chemical change, we have to observe if any new compound is formed or not in this process. This point you also add. Then this point you write down your first point. A reaction when two compound combine with each other the production of new compound is formed. What is chemical reaction? You have already underlined this point. You write that point here.
I am again telling you, a process where a new compound is formed is called chemical reaction. The compound which take part are the product, change into product. Up to this you write down answer number 1. Don't write this. Clear? Now next question is given. Burning of candle is a chemical reaction. Give the properties connected with this. Burning of candle is a chemical reaction. Wax when burn, it is exothermic reaction. You write down here. It is a exothermic reaction. Heat is evolved. Answer is given here. Reaction heat is evolved. Reaction is exothermic reaction. Clear? Now what are reactant and product? Explain with example. Here is the answer. The compound which take part are called product. Now example you have to write. This is your example. You write this complete. This side is your reactant side. I am writing here R, and this side is your product side. I am writing here P. Answer number 2. Sorry, 3. In this way, you write down answers of these 3 questions in your science copy. Thank you.